खान की गजनी का सीक्वल आने जा रहा है। क्या हो सकता है आमिर खान का इस फिल्म में रोल? कौन है आमिर खान की टॉप 5 फ्लॉप फिल्में और वो कौन सी आमिर खान की फिल्म है जो आज भले ही कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है लेकिन जब रिलीज हुई थी उस वक्त फ्लॉप थी। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म गजनी का सीक्वल आ सकता है और इसका इशारा कर दिया है मेकर्स ने। दरअसल रिलायंस एंटरटेनमेंट ने एक पोस्ट शेयर की है, उस पोस्ट में मेकर्स ने ये लिखा है कि गजनी के बारे में ये पोस्ट है और ये पोस्ट जब हम कर रहे हैं तो हम भूल गए कि हम बनाना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये पोस्ट है लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि गजनी 2 आ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आमिर खान एक फिल्म करने जा रहे हैं जो साउथ इंडियन फिल्म विक्रम वेधा का हिंदी रीमेक होने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट वो अपने बर्थडे वाले दिन करने वाले हैं, यानी 14 मार्च को करने वाले हैं। और अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि विक्रम वेधा जो रीमेक है उसका टाइटल गजनी 2 ही हो सकता है। गजनी 2 एक रिवेंज ड्रामा फिल्म थी और विक्रम वेधा भी इसी के तर्ज पर बनाई गई फिल्म है जो साउथ इंडियन फिल्म है, 2017 में रिलीज हुई थी। इसमें दो किरदार थे, एक पुलिस ऑफिसर का और एक डॉन का। ये दोनों किरदार फिल्म में जो रीमेक बनने जा रहा है उसमें आमिर खान और सैफ अली खान निभाने वाले हैं। आमिर खान ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाएंगे, वहीं सैफ अली खान एक डॉन की भूमिका निभाएंगे और आमिर खान उन्हें पकड़ लेंगे। उसके बाद सैफ अली खान उन्हें 3 कहानियां सुनाएंगे। विक्रम वेधा जो नाम है वो सजेस्ट करता है विक्रम वेताल की कहानियों से, जैसे विक्रम वेताल की कहानियां सुनाई जाती थी उसी की तर्ज पर ये फिल्म बनाई गई है और अब कहा जा रहा है कि गजनी 2 ही इसका नाम होगा। दोस्तों, गजनी की बात करें तो आप सभी इस फिल्म के बारे में जानते हैं, 2008 की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इसी फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की थी। ये उस वक्त पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ की कमाई की थी और 100 करोड़ी क्लब की शुरुआत की थी। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता ही गया और अब 300, 400, 500 करोड़ तक पहुंच गया है। दोस्तों, आमिर खान की बात करें तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बहुत कम ही फिल्में हैं जो फ्लॉप हुई होगी, उन्हीं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, साल 1995 में फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना। आज इस फिल्म को कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है लेकिन उस दौर में जब ये रिलीज हुई थी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई की लेकिन इसके किरदार हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच अमर हो गए। इसके किरदार जो विलन के किरदार थे वो ज़्यादा फेमस हुए थे हीरो से, फिर चाहे वो क्राइम मास्टर गोगो हो या फिर तेजा हो। क्राइम मास्टर गोगो का किरदार शक्ति कपूर ने किया था और सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहने जब वो अपना डायलॉग बोलते थे तो वो डरावना नहीं लगता था, ऑडियंस को हंसाता था। और जो तेजा का किरदार था वो क्राइम मास्टर गोगो से भी 2 गुना ज़्यादा चालाक था, वो गोगो के सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों, साल 1995 में आई थी फिल्म बाजी जिसमें आमिर खान के अपोजिट ममता कुलकर्णी नजर आई थी। उस वक्त इन दोनों की जोड़ी भी काफ़ी फेमस थी और काफ़ी पसंद किया जाता था इनकी केमिस्ट्री को, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद फिल्म आई मनीषा कोइराला के साथ और आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अकेले हम अकेले तुम, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। सदी की शुरुआत यानी साल 2000 की शुरुआत में भी आमिर खान ने एक फ्लॉप फिल्म दी थी, फिल्म का नाम था मेला और आप सभी को बहुत पसंद आती है और कोई भी नहीं सोचता होगा कि ये फ्लॉप फिल्म थी लेकिन ये फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट ट्विंकल खन्ना नजर आई थी। वहीं साल 2011 में उन्होंने फिल्म बनाई थी धोबी घाट जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। जो आमिर खान की लास्ट फिल्म थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जिससे पूरी भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वो फिल्म भी फ्लॉप हुई। इस फिल्म ने पहले ही दिन 50 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। पहले दिन की कमाई से इसने बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था और बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी ओपनर यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहले दिन कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। लेकिन फिल्म का बजट था 300 करोड़ और फिल्म ने 303 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की कहानी भी लोगों को खास पसंद नहीं आई, फिल्म में बड़े बड़े सितारे थे इसीलिए बजट भी बड़ा रखा गया था, उम्मीदें भी ज़्यादा थी लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों, ये थी आमिर खान की फ्लॉप फिल्में और अब देखना दिलचस्प होगा कि विक्रम वेधा ही होने वाली है गजनी। आपको इस बारे में क्या लगता है और आपको गजनी 2 का कितना इंतज़ार है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख डालिए और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।